हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के प्रॉब्लम सोल्यूशन के सीरीज में ये दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में नीट में एक बार आ चुका है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 bm हो तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इस क्रोमियम में किस तरह का होगा, किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिखाया हुआ है। तो सबसे पहला चीज़ हमको केवल एक क्लू मिला है यहाँ पे, वो है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस टू बी एम होता है, ठीक, जहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर एन बराबर वन हो तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है 1.73, एन इक्वल टू टू हो तो मैग्नेटिक मोमेंट 2.83, एन इक्वल टू थ्री हो तो 3.87, ठीक, एन इक्वल टू फोर हो तो 4.90, एन इक्वल टू फाइव हो तो 5.92, ठीक है, एन इक्वल टू अगर सिक्स हो तो 6.94 के अराउंड ये आता है। तो ध्यान रहे कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर वन है तो आप इतना याद रखिए कि जब भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 प्योर होगा तो डेसिमल से पहले वाली संख्या वही होगी जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर हमारे क्वेश्चन में 3.87 दिया है तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी कि क्रोमियम में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये तो आपको पता चल चुका है। अब वैसे भी देख लें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो आने वाला है क्रोमियम का +3 आने वाला है, क्योंकि यहाँ -3 है तो ये +3 हो जाएगा, ये 0 है, ठीक। तो अब हम करेंगे क्या कि क्रोमियम, तो हम जानते हैं कि क्रोमियम जो होता है वो होता है 3d5 4s1, ये एक एक्सेप्शनल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हाफ फील्ड करने के लिए। और अगर हम क्रोमियम +3 कर दें तो क्रोमियम +3 का मतलब होगा एक यहाँ से निकल गया, दो यहाँ से निकल गया, तो ये हो जाएगा आपका 3d3, यानी कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। और इसी अब ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड होंगे, तभी हम क्या बोल सकते हैं कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 आया होगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन की जहां तक बात है तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था। आप देख सकते हैं 6 मोनोडेंटेट लिगेंड है तो 6 बॉन्ड इसके चारों तरफ बने होंगे और इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जब भी स्प्लिटिंग होती है तो आपको पता है वो होता है T2G and EG। तो चलिए देखते हैं, यानी कि क्रोमियम +3 जो है हमारा 3d3 सिस्टम है, ये डी आर्बिटल दो भाग में स्प्लिट कर जाएगा, एक को बोलते हैं T2G और दूसरे को बोलते हैं EG इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ठीक है। अब देखिए जो T2G होता है वो हमेशा कौन कौन होता है, नॉन एक्सियल आर्बिटल DXY, DXZ, DYZ, और ये होता है आपका एक्सियल आर्बिटल DX²-Y² and DZ², ये सारी चीज़ें आपको पहले से बताई गई हैं। हमको 3 इलेक्ट्रॉन डालना है तो 1, 2, 3 लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो 3 भर जाएगा और तीनों क्या निकले, अनपेयर्ड, यानी कि आप देख सकते हैं कि DXY में 1, DXZ में 1, DYZ में 1, यही इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है जो इस ऑप्शन में मैच कराना है। तो देख सकते हैं DXY में 1, DYZ बोलिए यार, ये देख लीजिए DYZ ये हो गया, इसमें भी 1, DZX, XZ बोलिए या ZX बोलिए, इसमें भी 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा।